नमस्कार कृषक मित्रों, मैं राजूराम राठौर, तहसील भिलाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज आप सभी रोग मुक्त हो, रसायन मुक्त हो और जगत पर पांव पसार रही भयानक महामारी कोरोना से ग्रसित न हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी आपको व आपके परिवार से कोसों दूर रहे। आप सभी घर पर ही रहें, अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलें और जहां भी जाएं एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें और सरकारी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। सभी परमहंस प्रेमीगण, सज्जनों, मित्रों, बहनों से इस कोरोना जैसी भयावह जानलेवा बीमारी से बचने का एक ही विकल्प है, उन्नत किसान के द्वारा तैयार किया गया खेतों में जैविक विधियों के द्वारा खाद्य अनाज। आज अगर देखें तो हर एक प्राणी का पाचन तंत्र बिगड़ चुका है। बाजार में बन रहे नकली व बिना पोषक के खाद्य उत्पादों का सेवन करने से ऐसी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, पर आज ऐसा कम प्रतीत हो रहा है। आप सभी मित्रों, सज्जनों, बहनों से हमारा निवेदन यह है कि आप सभी अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो भी परमानेंट फैमिली डॉक्टर जो रखते हैं उनके साथ साथ आप अगर एक प्रगतिशील जैविक उन्नतिशील किसान को अपने परिवार का शुभचिंतक मानकर रखेंगे तो आपको हम पूर्ण विश्वास देते हैं कि आपको न डॉक्टर की ज़रूरत, न महंगे मेडिसिन की ज़रूरत। जिस जैविक कृषक मित्र से आप जैविक अनाज, सब्जियां, मसाले, तेल लेकर उपयोग करेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। आज इस वीडियो में हम बहुत ही उपयोगी फसलों उपयोगी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों वाली जानकारी लाए हैं। इन तत्वों की फसलों को आवश्यकता होती है, ये फसल के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। तो सबसे पहले लेते हैं अग्निहोत्र, जो कि बीच में मटकी रखी हुई है। इसमें 10 किलो गाय का गोबर और आधा किलो भस्म मिलाकर इसको 21 दिन के लिए एयरटाइट करके रखेंगे। जो आप सामने अग्निहोत्र भस्म रसायन मटकी के ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, जो कि इसके अंदर भर के रखा है, इसका उपयोग करने से 21 दिन के बाद फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इसका अगर किसान भाई आपको उपयोग करना है तो 1% का घोल स्प्रे के लिए उपयोग में आएगा और जो स्प्रे के लिए आप पानी वो वेस्ट डी कंपोजर उपयोग करते हैं वो उचित मात्रा में रखें और उसके साथ इसमें से निकालकर इसको कपड़े से छानकर इसका रस 1% के हिसाब से आप इस्तेमाल करें, जिससे कि अग्निहोत्र भस्म रसायन के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों की फसल को पूर्ति होगी। और अगला उत्पाद जो हम ले रहे हैं वो है गंधक भस्म रसायन। इसमें भी हमने ली है 10 किलो गाय की गोबर, 250 ग्राम गंधक का पाउडर, इसको मिश्रण पेस्ट बनाकर इसे भी हम 21 दिन के लिए एयरटाइट कर रखेंगे। इससे फसलों में सल्फर यानी कि गंधक की पूर्ति होगी। इसका भी 1% का घोल अतिरिक्त वेस्ट डी कंपोजर पानी में मिश्रण कर उपयोग करेंगे तो इससे जो फसल के अंदर गंधक की कमी वो पूरी होगी। गंधक की कमी से फसलों की पत्तियों और सिराओं सहित जो गहरे हरे रंग से पीले रंग में बदल जाती है, फिर पत्तियां सफ़ेद होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में आपको सल्फर उपयोग करना चाहिए और सबसे पहले जो नई पत्तियां होती है वो प्रभावी हो जाती है, उस समय आपको गंधक का भस्म रसायन उपयोग करना है। अगला उत्पाद जो हमने लिया है वो है बोरेक्स। 250 ग्राम सुहागा, जो एक ढक्कन के ऊपर देख रहे हैं आप सफ़ेद कलर का, 250 ग्राम सुहागा यानी कि बोरेक्स पाउडर को तवे पर हमने फुलाया और एकदम पूरा मखाने की तरह फूल गया, वो एकदम सफ़ेद कलर का हो गया, तो उसको हमने खलबत्ते से कूट कर 10 किलो गाय के गोबर में इसका मिश्रण का पैक करके एयरटाइट करके 21 दिन
रखेंगे। इसके बाद इसका भी फसल के ऊपर 1% का छिड़काव करेंगे। इसके छिड़काव करने से बहुत फायदे हैं। बागवानी वाले जो कृषक मित्र हैं, इस उत्पाद को अगर उपयोग में लेना चाहें तो उन्हें फलों के फटने की जो समस्या है उनमें ये काफ़ी मददगार साबित होगा। ये फलों को फटने नहीं देगा। और जो बगीचों में इसकी कमी से नर फूल जो आते हैं वो पूर्ण रूप से बढ़ने से पहले ही गिर जाते हैं। पोलन ट्यूब का जो ठीक ढंग से विकास न होने में फल धारण बहुत कम होते हैं। किसान साथियों, अगर आपके खेत की मिट्टी क्षारीय, लवणीय, तेलीय या फिर अम्लीय सार वाली हो, या पानी अधिक फ्लोराइड वाला, फिर जमीन पानी का मेल न बनता हो, तो प्रति एकड़ प्रति सिंचाई, चाहे वो फ्लड इरिगेशन या स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप हो, आप प्रति एकड़ 1,000 लीटर वेस्ट डी कंपोजर खेत में बहाएं। कितना भी रसायन उर्वरकों का उपयोग अगर आपने किया है, वो भी जमीन जीवाणु उत्पन्न कर देगी। जमीन में जैविक जीवाश्म बनना चालू हो जाएगा, मिट्टी को हल्का मुलायम करेगा और जल्द ही एक्टिनोमाइट सिटीज तैयार होनी शुरू हो जाएगी। नमस्कार। जरूर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। अब इनको हम मिक्स करने जा रहे हैं और इनको भर के हम रखेंगे। इस तरह ये जो गंधक का पाउडर है इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं, फिर इसको मिक्स कर देंगे। इसके अंदर गंधक का पाउडर डाल दिया है और इसके अंदर हमने डाल दिया है बोरेक्स पाउडर। अब इन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से, अब इसको मिक्स करेंगे हम लकड़ी से इस तरह। इन उत्पाद को, सल्फर को, बोरेक्स पाउडर को 10 किलो गोबर के साथ मिक्स करके 21 दिन रखेंगे। 21 दिन के बाद इसके अंदर जो सल्फर के गुण हैं वो आ जाएंगे और उसके अंदर जो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, जो कि हमने बोरेक्स डाला है, इसको भी हम हिलाएंगे और इसको 21 दिन के बाद तैयार करके फसल के अंदर उपयोग करेंगे। तुम मुझे खेत दो, मैं तुम्हें रसायन से मुक्ति दूंगा। धन्यवाद।